दोनों ही चटनी मिला लेते हैं। अंदर जो ठंड लग रही होगी जा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। तो आपका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं लगभग 2 और यहाँ पे अभी हो रही है बारिश और इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि घर में भी ठंड लग रही है। तो अभी हम बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, सुबह से ही मौसम ज्यादा खराब है। तो देखते हैं ये ब्लॉग कैसे शूट हो पाता है, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, ठंड की वजह से यहाँ पे आरती, पिंकज सभी लोग देखो रजाई में घुसे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हो ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जसनप्रीत भी उधर सो गई है अभी, वैसे परेशान करती रहती थी पूरे दिन। तो देखते हैं मौसम कितनी देर में सही होता है। गाइस, अभी बारिश तो थोड़ी हल्की हो गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हवाएं कितनी तेज चल रही हैं। यहाँ पे आप पेड़ों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बस कौन सी लहर बोलते हैं उसे, शीत लहर, वो चल रही है। गाइस, मुझे देखना था यहाँ पे कुत्ते के पिल्ले थे, मुझे लग रहा है यहाँ पे हैं। चलो, मैं सोच रहा था कि कहीं ठटर नहीं रहे हों तो मैं इनकी व्यवस्था करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गए हैं सारे बच्चे, तो मेरे हिसाब से नहीं भीग रहे हों। यहाँ पे पन्नी डाल दी है, लेकिन तब भी इन्हें ठंड लग रही होगी चारों को, देखो ठटर रहे हैं ठंड के मारे। तो गाइज, किसी ने सची कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और माँ तो माँ होती है, चाहे इंसान की माँ हो, चाहे जानवर की माँ हो, चाहे उस पर कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती है। A few moments later. तो गाइज, अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो फाइनली वायरस यहाँ पे रुक चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। तो आरती अभी बना रही है मोमोज, पता नहीं क्या बना रही है, मोमोज के लिए बोल रही थी। आरती क्या बना रही है अभी, आपको दिख भी नहीं रही होगी अंदर से, क्या बना रही है? मैं मोमोज बना रही हूँ। ओह वाह, तो मोमोज बना रही है आरती, क्या बना रही है? मोमोज। मोमोज तो ठंड में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। तो अभी जस्ट चाय के साथ पकोड़े खाए थे, तो वो आपको मैं दिखा नहीं पाया, बारिश हो रही थी। तो फिलहाल अभी देखते हैं कितनी देर में आरती बनाती है। A few moments later. पता नहीं क्या क्या बनाया, ये क्या चीज़ है? सोयाबीन है। अच्छा, और इसमें पता नहीं क्या बना रही, चटनी, इमली की और गुड़ की चटनी। तो ये है इमली और चटनी, तो ये है इमली और मिठाई की चटनी, और ये तो नॉर्मल चटनी है जो कि आप देखते ही हैं दुकानों पे, मोमोज की चटनी, मोमोज की चटनी। टमाटर की है गई? हाँ, टमाटर है, लहसुन है। तो आरती ने इसमें डाला है लहसुन, टमाटर और लाल मिर्च, अदरक, यानी कि काफ़ी चीज़ें डाली हैं, इससे ठंड भी बच जाएगी। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी भी इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अब इसमें क्या पड़ेगा, थोड़ा तेल पड़ेगा, और इसमें रिफाइंड वगैरह घी भी पड़ता है क्या? अच्छा, ये तेल, तेल का यूज़ कर रही है, सरसों का तेल होता है प्योर। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन अपने घर पे मोमोज बनाना जानता है, कौन कौन मोमोज बनाता है। आरती तो पता नहीं क्या क्या डिशेज बना के खिलाती रहती है, नई नई चीज़ें खिलाती रहती है। तो ये क्या चीज़ है आरती? कैबेज। अच्छा, बंद गोभी है, ये भी उबाले हैं क्या? सोयाबीन वाली बड़ी भी उबाली है? अच्छा, गर्म पानी में ये भगोना है। अच्छा, सो गाइस, अभी आरती ने कढ़ाई रख दी इस पे, और कढ़ाई में थोड़ा पानी रख दिया है, और यहाँ पे एक प्लेट, यानी कि ये जुगाड़ है, प्लेट रख दी है, जैसे कि जो होता है बनाने का, मोमोज बनाने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी उसी के हिसाब से आप कर लें, जितना आपको चाहिए ये, यानी कि रख जाए, जिससे कि नीचे उबाल आएगा, उसके बाद ये गर्म होगा, उसके बाद मोमोज बनेंगे। तो अभी देखते हैं किस टाइप के मोमोज बनते हैं, हमें भी नहीं पता कि बढ़िया बनेंगे या खराब अच्छे बनेंगे, ये तो पता नहीं है, बनेंगे उसके बाद ही आपको, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आरती ने मोमोज यहाँ पे बना लिए हैं, और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर सारे मोमोज रख दिए जाएंगे, और उसके बाद उस प्लेट से इसको ढक दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको ढक लेना, उसके बाद ये मोमोज बन जाएंगे, और हल्की आंच पे आपको धीरे धीरे, स्लो आंच पे आपको चला देना है। A few moments later. तो गाइज, यहाँ पे अभी मोमोज रेडी हो चुके हैं, तो देखते हैं अभी रेडी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम जैसे हम दुकान पे, हमें ठेली पे खाते हैं, उस टाइप के ही बने हैं। अभी इसे सर्व कर लेते हैं प्लेट में, तो इसमें थोड़ी चटनी रखेंगे, दोनों ही चटनी रखेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे कैसे लगे। ये है मीठी चटनी, और ये है जो मोमोज की मेन चटनी होती है वो। जब इसका टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा बना है ये मोमोज। थोड़ी सी चटनी और दोनों चटनी मिला लेते हैं। तो सेम बनाया आप ऐसे ही, थैंक यू। देखो यार, बिल्कुल सेम जैसे दुकान हम खाते हैं ना,
ठीक पे वैसा ना बिल्कुल सेम स्वाद आ रहा है, मजा आ गया वास्तव में। इनका मोमोज इज रेडी, चलो फिलहाल मोमोज खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गैस अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमने अभी मोमोज वगैरह सभी ने खा लिए हैं, तो यहाँ पे अभी सभी लोग सो गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।